देखने में बिल्कुल मकड़ी की तरह लगता है और ये भी बहुत आसानी से बन जाता है। अब मैं स्टार्ट करती हूँ। पहले तो क्या हमें पॉइंटल करनी है, बालों को अच्छी तरह से सुलझा के और हम पॉइंटल कर लेंगे। बहुत अच्छा लुक देता है ये। सादा रबड़ लेंगे, उसको पंचर कर लेंगे इस तरह से। ये हमारी पॉलिटल तैयार। हमें क्या करना है, इनके दो पार्ट्स करना है। इस तरह से हमने इसके दो पार्ट्स कर लिए। पहले हम इस पार्ट से स्टार्ट करेंगे। इस पार्ट से हम स्टार्ट करेंगे पहले इसके से। इस तरह से हमने पहले से थोड़े थोड़े बालों को बारीक बारीक पार्ट पूरा कर लिया हमने। इस तरह से हमारा पार्ट पूरा हो गया। इसी तरह से हमें दूसरे पार्ट को भी यहाँ से स्टार्ट करना है, ठीक है। आप देखिएगा हमने वापस यहाँ ले लिया। इसको भी सेम उसी तरह से उसी मेथड से आपको करना है, ठीक है। बहुत इजी है ये भी और जल्दी बनने वाली हेयर स्टाइल है। कोशिश यही होनी चाहिए कि बाल जो हैं ज़्यादा कटे फटे ना हों, जितने बड़े और स्ट्रेट होंगे उतनी ये स्टाइल अच्छी लगेगी। हमने ये दोनों पार्ट्स की
मुट्ठी से ये हमने बना लिया। ये रहा इस तरह से स्मूथली, थोड़ा ये हमारे बस की लास्ट है, बाकी करना है पार्ट्स को लेके, और इसको हम रबड़ लगा देंगे। इसी रबड़ को आप चाहें तो निकाल के दोनों को एक साथ इस तरह से हमने पिनअप कर दिया। अब ये है आपका ये। अब इसको हमें क्या करना है, इसको हमें क्या करना है कि इसमें यहाँ से इसको आपको पिनअप कर देना है, या नहीं है पिनअप तो इस तरह से आप इसको यूं करके, और एक रबड़ ले लेंगे हम, यूं करके एक रबड़ ले लेंगे और इसको रबड़ से यूं करके इसको हम पैक कर देंगे। इसने हमने इसको यूं पैक कर दिया, ठीक है। ये आप देख सकते हैं इस तरह से ये हमारा पैक हो गया। इस तरह से आपका ये पैक होने के बाद अब हम इसको यूं करके इस तरह से पैक करेंगे। इस तरह से पैक करने के बाद इसको हम पिनअप कर देंगे। दो तीन दिनों से ये जो है आपकी स्टाइल तैयार हो। अभी आपने देखा इस तरह से ये स्टाइल जो है। अब ये है स्प्रे, ये स्प्रे जो है हम इसको ऊपर अप्लाई करेंगे, जैसे इससे थोड़ी फिनिशिंग आ जाएगी इस पर। इस तरह से करके ये देखिए, इस तरह से ये फिनिशिंग हमने कर दी इसकी, यहाँ से यूं करके। इस तरह से है, ये आप देख सकते हैं। यूं आएगा